हेलो। हेलो। अरे क्या हालत है रजा बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उसके रसूल का करम है, मेरे आका का का करम जी? है। यार मेरे पास एक बंदा है, तुम हमेशा बोलते हो ना इल्मी बात कर इल्मी बात कर। एक बंदा है लाइन पर, तुम उससे मैं बात कर लो दुकान पर एक हूँ, रात को बात करा, उसी में तुमको लगा, तुमने फोन उठाया, नहीं उठाया। ठीक है, तुम आज लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं पक्का बात वो नहीं ही कर है रहा यार, आपका। वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा आदमी अच्छी है। बात है, बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे तो मजे, और कुछ हो रहा था या तुम्हारी इतना गालीबाज है? अच्छा ना ना ना, उसको गाली आती भी नहीं। तुम्हें तो आती है खूब। तो यार तुम दोगे तो फिर मैं दूंगा ना। मैंने कब दी तुम्हें गाली? बताओ किस दिन मैंने तुम्हें गाली? ये एक तुमने शुरू नहीं की नहीं थी। नहीं झूठ बोलते हो तुम। हमारा हमारी नहीं जबान से तुम गाली निकाल दिखाई नहीं सकते। शुरू करना, तुमने जब मेरी यार, माँ को तुम गाली दी तो यकीन मैंने तुम्हारे घर करो, का हवाला दिया, मैंने तुम्हारे घर का हवाला दिया। थी तुमने शुरुआत में गाली दी तो मैंने फिर लानतुल्लाहि गाली अल काज़बीन, कहो आमीन, कहो आमीन, कहो दी। आमीन क्यों नहीं कह रहे? कहो आमीन, कहो। वो रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी नहीं मुझे, मैं कह रहा हूँ शुरुआत की लानतुल्लाहि सुनेगी। अल काज़बीन, कहो आमीन। और अगर मैंने बोला होगा तो वो तो फिर मेरे पे आएगी। तुम्हारे भी पड़ेगी। मैं तो गाली देता ही नहीं हूँ किसी को, मेरी तो कोई रिकॉर्डिंग ऐसी दिखाई नहीं सकते कि मैं गाली की शुरुआत करूँ। जब तुमने मुझे होश होश गाली बकी तो मैंने जबान खोली है, कहाँ तक बर्दाश्त करेगा आदमी? क्योंकि जबान तो हम भी रखते हैं ना, तुम वैसी गाली दोगे हमें, झूठे इल्जाम लगाओगे, लेकिन हम तुम्हारे घर से साबित करेंगे वो बातें सारी। तो ऐसा है, तुम्हें बात करानी है किसी से, कोई इल्मी बंदा है, क्या नाम है इसका बंदे का? उसका नाम है समीर। समीर, ये उस दिन भी थे लाइन पर जो उस दिन आपने फोन लगाया था? अरे नहीं कब था? उस दिन मैं लगाया था ना, कह रहे तो मैंने कहा था रात को बात करेंगे, तो फिर मैंने लगाया फोन तो उठाया नहीं था आपने। हाँ दिन लाइन हाँ पर समीर वो ही कोई थे। और होगा, नहीं 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 वो ये समीर, नदीम था। अरे समीर थे, दिल्ली के है ना ये? हाँ हाँ तो दिल्ली यही तो समीर ही। तो ऐसा है, मैं का रात को रात पक्का वादा नहीं कर रहा आज का, अगर आज नहीं तो कल इंशाल्लाह। आज मुझे किसी और से बात करनी है। नहीं वो तो अभी भी लाइन पे है। लाइन पे है लेकिन मैं दुकान पर हूँ, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता। देखो बात भी अभी होती, मतलब अभी आता है जबकि दोनों तरफ से दलाइल सबूत दिए जाएं, उनके साथ में बात हो। है नहीं बात भाई? ऐसे जुबान जुबान दरारी तुम करते रहो या मैं करता हूँ तो उससे फायदा नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। बल्कि आवाम को, आवाम के पास मैसेज पहुंचना चाहिए कि क्या हक है और क्या गलत है। अच्छा, वो मेरे फिरके का नहीं है बाय द वे। ना और ना ना, मेरे फिरके का नहीं है वो भाई। वो किस फिरके का है तुम्हारा तो मुसलमान है सिंपल, वो मेरे फिरके का आदमी फिरका ना। कौन सा है? तुम तो मुझे वो बोलते हो ना देवबंदी। मैं क्यों बोलता, तुमने खुद इकरार किया इस बात का कि 24-25 साल में देवबंदी रहा हूँ, तबलीगी जमात में रहा हूँ। हाँ रहा हूँ। हम क्यों किसी पे इल्जाम लगाएंगे साहब काफिर होने का बेवजह ही? अरे हम क्यों इल्जाम लगाएंगे किसी पर? हाँ रहा हूँ भाई। तो फिर तुमने जो बताया था वही हम कहते हैं कि तुम देवबंदी कहते हो, फिर उसके बाद हाँ में लेकिन 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 वो नहीं है। तुमने कहा फिर मैं मिर्जा मोहम्मद अली की तरफ गया चला गया, जैसे मैंने ठोक लात मार दी देवबंदियत को। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है तेरी भाई मिर्जा में कुछ फॉल्ट ना, वो तुम जानो फॉल्ट है ना है। तुमने ये कहा था नहीं मुझसे, कहा था कि मैंने लात मार दी देवबंदी को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपकी। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है बात हाँ तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो करना। जिसे अच्छा लगेगा वो उधर ही जाएगा, बस यही उसने बात कुछ ही है। गलत वो तो बोला नहीं कोई गलत ना बोलता है, सही बोला है। तुम्हें पता लगेगा जब खबर में जाओगे ना, तब पता लगेगा कि क्या गलत और क्या सही है। तो अगर मिर्जा का नाम मिर्जा गया कबर में, तो है? अगर मिर्जा की कबर में लेगा अच्छा मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मिर्जा के मानने वाले हैं तो तो उनका हाशिम मिर्जा के साथ में कर। मैं ये कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मिर्जा के मानने वाले हैं तो उनका हाशिम मिर्जा के साथ में कर, और जो अल्लाह के वलियों के मानने वाले हैं जिन्हें मिर्जा गाली गलौज करता है, उनकी तोहीने करता है, उनका हाशिम उनके साथ में कर दे। कहो आमीन। चलो ठीक है, तुम्हारा हाशिम मिर्जा के साथ में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। यार तुम्हारे की डेफिनेशन क्या होती है? है वली की डेफिनेशन होती क्या है? वली की तारीफ वही तो होती है भाई, जो दीन के लिए लड़े, जो दीन की बात करे वही हाँ, तो वली वो है। तो बहुत दिन के लिए लड़ा है, वो तो बिल्कुल समझ खरा दिन दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ खरा। तो दीन के लिए लड़ रहा है यार, देखो उसका नबी की अपना शान जात में वो को क्या गुस्ताखी है? कर दे, सहाबा इकराम की शान में वो गुस्ताखी कर दे, औलिया इकराम की शान में तो वो भोकता ही रहता है, उसे तो भोकना ही है इस पे। तो तो तुम भी तो यार गुस्ताखी करते हो मेरे भाई, ताहिर भाई। हम क्या गुस्ताखी करते हैं? तुम क्या गुस्ताखी करते हो? तुम देवबंदियों की औलिया की गुस्ताखी नहीं करते हो? क्या वली नहीं मानते हैं क्या? या अशरफ अली थानवी को? क्या मानते हो तुम अशरफ अली थानवी को?
मैं क्यों मानता, जो क्यों हिंदी मानते हो मानते हैं बताओ, जब दूसरे तुम उनसे अशाबली थानवी के पूछो। हिमायत में आए हो तो बताओ क्या मानते हो। नहीं नहीं मैं नहीं 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 आया, मैं भागो तो मत, बाद भागो मत, अब मैं तुम ये बतलाओ जब अशरफ अली थानवी को तुम वली मानते हो, तुम वली मानते हो उसकी हिमायत में आए हो, नहीं मानता, क्या मानते हो फिर, इंसान था चला गया दुनिया तो क्यों से। हिमायत कर रहे हो फिर, क्यों आए हिमायत में, इसी पर बात करनी, रात को करना मुझसे बात, हिमायत? नहीं देखिए नहीं बात नहीं रात को करना, नहीं हिमायत की बात बात ना मुझसे ना रात ना, को, देखिए मेरी भागो नहीं, बात बात सुनो, सुनो मैं बात मेरी नहीं करूंगा इस ना वक्त, ना। अरे मेरी मैं बात इस तो वक्त सुनो, बात नहीं चलो करूंगा, अगर तुम्हें किसी मौजू पर मुझसे बात करनी है तो बात रात को करना, चलो हामिद से मूवी तो, अभी पे कर लेते हैं। हामिद से ये तो मेरी बात बताओ नहीं तुम्हारा हुई, चलो मनपसंद चलो तो क्या ओपिनियन कर लो बताओ मौजू यार, मैं बताओ यार, अपन। भाई भाई आप भागते क्यों मेरी अरे समझ भैया नहीं मैं आ रही। दुकान पर हूँ, तुम्हारी बात सुनने नहीं आती हामिद, क्या तुम वैसी, तुम्हारा दिमाग मोटा है क्या, अब तुमसे तो वैसी बात हो रही है मेरी, को तुम्हें हवाला देना पड़ रहा है, कोई मतलब मौजू चल रहा तुम्हारा मेरा, यार तो हवाला हवाला में दूंगा मौजू बताओ कौन से मौजू बात करोगे, रात को करेंगे, मौजू, तय कर लो भाई हाँ मौजू तय कर लो, मौजू, अभी तय हो तो रहा है ना, अभी कर बोलो लेते हैं। मिर्जा बोलो, गुस्ताख, हाँ मिर्जा गुस्ताख है। क्यों भाई, यही मैं मौजूद मिर्जा को डिफेंड थोड़ी करने आया हूँ यार, मुझे है नहीं, अरे एक मिनट, इन्होंने बोला कि भाई तुम मिर्जा दोनों करोगे बात, एक गुस्ताख करेगा, तुम ऐसे ही बताओ, तुम है, बात एक ही कौन करेगा, करेगा, यही करेगा, तो यही मौजू तय करो, करेगा। चलो मौजू तय करो, चलो मैं करूंगा चलो यार, मौजू बताओ, ताहिर भाई चलो मैं करूंगा। मौजू बताओ, हाँ हाँ मैं बतला रहा हूँ मौजू, कि तुम्हारे बुजुर्गाने दिन गुस्ताखियां कर करके गए, तुम्हारा पहले अपना आला मसलक हजरत बताओ, समीर। अपना मसलक बताओ, हाँ मेरा मतलब मुस्लिम हो यार, मतलब क्या होता मुस्लिम है? तो 73 के 73 जितने भी फिरके बनेंगे सब मुस्लिम कहेंगे अपने आपको, 72 जहन्नम ही होंगे, इसमें अच्छा कौन से वाले में हो तुम, 72 में तो हो, बरे, हाँ तो मैं साथ में बरेली रंगीन नहीं लगाता ना अपने। नहीं वो इसे छोड़ो, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा तुम बरेली लगाते हो नहीं लगाते हो, तुम कौन से हो, हम लो तो यार, बरेली लगाते हैं हर कोई कोई अपने आप को एलिजिस कहता है, कोई अपने आप तुम को क्या कहते हो देवबंदी अपने आप कहता है, को, कोई अपने आप को तुम अपने आप को अहले क्या कहते हो, तशय्यु इसी कहता है, बात तो को कोई अपने डिफरेंट आप कर, को बरेली भी कहता है, हंसी भी अरे यार कहता है मेरी साथ बात में। तो सुनो समीर साहब, हाँ मुझे ये बहुत सुन बताओ रहा हूँ ना मैं, वहां तुम बोलो अपने आप पे क्या लगाते मुस्लिम हो, तुम क्या कहते हो अपने आप को, मुस्लिम तो ये वही यार, बात आ गई, ये तो यार तुम यार पढ़े लिखे वाली बात नहीं कर रहे, मिल्लत आदि कुन इब्राहिम हुआ नहीं सम्मा कुल मुस्लिम। तो ये मतलब ये नबी की हदीस कहाँ डालोगे फिर, हाँ नबी की हदीस कहाँ डालोगे, जो क्या, कौन सी कौन मेरे आका सी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बनी इसराइल 73 बटेगी, मेरी उम्मत 73 बटेगी, हाँ तो, तो एक जन्नती होगा 72 जहन्नमी होंगे, तो सब मुस्लिम ही तो कहलाएंगे वो, हाँ तो कौन सा फिर क्या है वो तो मैं ये तो पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम कौन से कहला रहे हो अपने आप को, अरे मुस्लिम कहला तो रहा हूँ यार। तुमसे बात नहीं हो पाएगी, तुम बात नहीं कर पाओगे, देख लिया मैंने तुम्हें, अल्लाह के रसूल का किसका बताया था? रुको है हाँ हाँ रुको, हाँ कौन सा? हाँ रुको रुको रुक नबी जा, कौन करीम सा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जन्नती कौन सा होगा कि जो मेरे और मेरे सहाबे के हाँ रास्ते पर चलेगा, तो आप साहबा हाँ फरिश्ते को हाँ हम ही सहाबा के रास्ते कैसे पर कौन है, कैसे अब यहाँ आके अपनी अपनी पहचान के लिए आदमी ने अपने साथ में कुछ ना कुछ लगा लिया है, अच्छा तुम क्या लगाते हो अपने साथ में, किसके नहीं पीछे तुम नमाज पढ़ते हो, जब बेहतर वो अभी जहन्नम ही है, सुनो नहीं सुनो सुनो ताहिर सुनो सुनो भाई, नहीं समीर, ताहिर भाई अरे एक अजीब आदमी की बात बात करो बरेलिया यार, यार, एक आदमी की मैं बात दे सुनो, रहा पहले हूँ यार मुझसे होने दो, जवाब, मुझसे एक होने दो, मिनट मुझसे होने दो, शामिल भाई समीर रुक जाओ। समीर सुनो हाँ समीर सुनो यार मौजू बता सुनो लिया है भी सुनो देखो। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, हाँ देखो हाँ सुन रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जो 72 जहन्नमी है उसके पीछे जो एक जन्नती है उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि वो काफी है 72, अब तुम ये बात अच्छा बताओ कि तुम किसके पीछे नमाज पढ़ते हो और किसे मुसलमान मानते हो इनमें, हाँ बहुत अच्छी बात है, मुसलमान तो मैं सबको ही मानता हूँ तो तुम तो फिर यार। कुरान की भी हाँ गुस्ताई कर, बोलो। कुरान की भी इनकार कर रहे हो और हदीस का भी इनकार कर रहे हो, अच्छा तो फिर अगर किसी को भी मुसलमान नहीं मानूंगा तो मैं किसके किसे आगे नमाज पढ़ूंगा? हाँ किसी में खराबी नहीं है, तुम्हारे पढ़े अंदर हुए हो खराबी तो नहीं तुम है? क्या पढ़े हुए हो, पढ़ा हुआ हूँ? कुछ पढ़ा है या वैसे ही मतलब बात करने के लिए आ गए, अरे अरे कुछ इल्माती किया है, पढ़ा पढ़े लिखा बंदा है, लिखे नहीं है, पढ़े लिखे होते ऐसी बात नहीं करते, ये बगैर पढ़े लिखे वाली बात कर रही है, पढ़ा मेरा लिखा रब बंदा है, कुरान पढ़ा लिखा मुकद्दस बंदा में इरशाद फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 8, अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिरी वमा हुम बिमुमिनीन, कुछ लोग ईमान लाए अल्लाह पर और पिछले दिन पर, लेकिन वो ईमान वाले नहीं हैं, तो वो बेहतर मुसलमान कहलाएंगे अपने आप को, लेकिन ईमान वाले नहीं और जहन्नम में जाएंगे, वो नबी ने फरमाया जहन्नम ही है, एक ही जन्नती है, तो तुम मुझे ये बात बताओ तुम किसको मुसलमान मान के उसके पीछे नमाज पढ़ दोगे, जन्नती की नमाज जहन्नमी के पीछे हो जाएगी, हाँ तो वो कहते तो है, मैं आपको मुसेरिया कौन, भी कहते हैं और कादियानी भी कहते अरे हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ईमान यार, लाए लेकिन मुसलमान नहीं है तुम वो। किसी तरफ से आए हो वकालत करने के लिए, लो जी हामिद साहब ये तुम्हारे मैं अल्लाह मुनादी के हैं, रसूल की तरफ से, ये तुम्हारे मुनादी मैं हैं, इस अल्लाह के लाइफ पे रसूल की तरफ ये मौजू पे अटक रहे हैं अभी, इनसे मौजू पे ना हो रहा है, ऐसे मुनादी ला यार, ला वो रहे हो रात कैसे को, करूं मुनादी मैं, का मुनादी बतला लाओ, दिया तुम्हारे बुजुर्ग उस्ताद है उस पर तुम अरे भाजी वो नहीं कर बात रहे की हो। बात है, वो तो तुम्हारी मेरी बात होगी फिर, अभी तो मौजू तो तय हो रहा है तुम्हारा मेरा, लेकिन मुझे ये बताओ कि मौजू तुम तो जो है नहीं 72 हैं उनमें थे से किसे मानते हो, किसके पीछे नमाज जो पढ़ते हो, बात है उनमें से मैं बतला तो रहा तुम हूँ नमाज किसके पीछे मुस्लिमों पढ़ते हो,
अरे भाई मुस्लिम हूँ मैं, और क्या बोलूँ इससे ज्यादा बताओ। अरे तुम नमाज नमाज किसके में पीछे किसके पढ़ते पीछे हो? पढ़ता, सबके पीछे पढ़ता हूँ, है, सबके पीछे पढ़ता हूँ। हो जाती तुम्हारी नमाज? बिल्कुल हो जाती है, नहीं होगी नमाज, मोमिन की नमाज क्यों नहीं कासे के होगी पीछे नहीं बताओ, हो सकती। दलील दो, दलील दो, दलील 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 तो मैं दो। तुम्हें दोनों बातें पढ़ के हाँ सुना दी, कुरान की आयत भी पढ़ के सुना दी, नबी की हदीस पढ़ के सुना दी। मोमिन की नमाज काफिर अच्छा के पीछे नहीं होगी, जो अपने आप को ये कहता है कि मैं मोमिन हूँ, और जो बेहतर नबी ने बता अच्छा दिया कि जहन्नमी है वो तो वो काफिर हैं, उनके पीछे उस अच्छा 73 वाली की नमाज नहीं होगी। अच्छा खबारिज मुसलमान थे, खबारिज मुसलमान थे अभी वहां मत जाओ, मुझे तुम सिर्फ अपना ये बताओ कि तुम कौन हो। यार, मैं रेफरेंस देने लगा हूँ यार ताहिर ना ना, भाई। ये रेफरेंस मत दो अभी, ये जब तुम्हारा मेरा मौजूद तय हो जाएगा लो उसके बाद जी, में जब मेरी तुम्हारी रेफरेंस बात नहीं दूँ होगी। तो फिर और क्या दूँ, माजल्ला तुम्हारा माजल्ला। अरे तब मुझे ये सिर्फ ये बताओ, तुम अपने आप की पहचान तो रेफरेंस कराओ नहीं पहले, दूँ तुम तो फिर कौन और क्या, हो। सर और क्या, आम देख रहा हूँ मैं देखो यहाँ जब पे। जब तुम अपनी पहचान करा दोगे मुझे, तो मैं उसी एतबार से तुमसे बात करूंगा। फिर आना तुम सीना खोल के, फिर देखो कितने मैं बड़े मनाजिर हो तुम। देख रहे हो यार आमिर भाई, देख मैं देख रहा हूँ, देख रहे रहा हूँ, मैं हो, बता तो रहा हूँ मेरे भाई, देख अरे क्या रहा हूँ, बता देख रहे रहा हो हूँ, तुम? बता तो रहा हूँ तुमको, रेफरेंस नहीं दूँ तो क्या, आम क्या थोड़ी क्या देख रहा हूँ बताओ, यहाँ पर, क्या रेफरेंस ही बताओ, दूंगा ना, क्या जब क्या बात कर बताओ, रही हो। बोलो बोलो खवारिज बोलो। की पूछ रहा हूँ मैं, वो मुसलमान तो है कौन काफिर? तो खवारिज, कौन ना? काफिर थे वो, खवारिज काफिर थे। हाँ काफिर थे वो, काफिर थे वो। हाँ हाँ कहाँ लिखा है? तुमने कहीं नहीं पढ़ा? दिखाओ नहीं कहाँ लिखा हुआ कि मुसलमान थे। अरे हाँ अच्छा, ये 39 नंबर की हदीस बुखारी की, जिसमें अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि खवारिज सबसे बदतरीन मखलूक हाँ है, बुखारी की हदीस है, फिफ्टी हाँ बुखारी की हदीस से पता भी नहीं है तुम्हें? मैं बताऊं बुखारी की हदीस है ये? 9 30। अरे अरे मैं बुखारी नंबर की बता हदीस रहा है हूँ ये? हाँ मैं सरकार, बताता हूँ, बुखारी की हदीस है ये। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि सबसे बदतरीन मखलूक जो नाम है लगाइए वो यार, खारजी फिरके के ठीक लोग हैं, समझे है नहीं? बोल दिया, ये वो खारजी फिरके के लोग हैं। ठीक है अब मैं बोल खारजी तो कौन यार। है? उन्होंने कहा कि जो बुतों और कुफारों के लिए कुरान में आयतें नाजिल हुई है वो मुसलमानों पर चस्पा करते हैं, यही तो हाँ है ना बात? हाँ तो किसके लिए है ये? इसकी जरा मत अच्छा, वो पढ़ो, इसमें शरा दलील इसकी भी देना, शरा पढ़ो, बताइए शरा तुम। इसकी शरा पढ़ो। जो हजरत अली से बात तो खुरूज सुन इन्होंने लो, किया था ये उनके लिए है, जो हजरत अली ने जो एक हाकिम बना दिया था कोई, तो उन्होंने कहा था ये हुक्म तो हाकिम बनाने का हुक्म तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, हाकिम अल्लाह है, तो उन्होंने खुरूज किया हजरत अली से, तो उन्हें खारजी कहा जाता है वो कुफ, इसलिए आपने उसने कताल किया, कत्ल किया आपने उन्हें। अब मैं बोलूंगा तो चलो तुम देखो पढ़ के यार, जाओ अपना काम, करो देख तुम लो, डिसाइड नहीं कर पा रहे तुम किस मजहब से बात करो मेरे से। तुमको याद नहीं थी, देखो तुम्हारी दलील पढ़े भी दे लिखे रहा नहीं हूँ अब मैं, हो, अपनी दलील तो दे दूँ। मैंने देख लिया, तुम अरे पढ़े यार लिखे मेरी नहीं हो। दलील तो पढ़े लिखे नहीं हो, ऐसे आदमी से बात नहीं करता हूँ मैं। मुझे आदमी वो चाहिए जो अरे मेरे बात का जवाब मैं दे। बहुत पढ़ा लिखा है यार, मुझे क्या बात सिर्फ कर इस रहे बात हो, का जवाब दो कि तुम किस मैं मसलक बहुत की पढ़ा पैरवी लिखा करने के लिए आओ, किस मसलक की तुम वकालत करोगे? मैं किसकी करूंगा, अल्लाह के रसूल के दिन की करूंगा, बोलो आगे, है मुस्लिम बोलो आगे। मुस्लिम तो 73 के 73 अपने को कहलाएंगे। अरे यार मैं साथ में बरेलवी एमपी थोड़ी लगा रहा हूँ तो ये लोग ये बेवकूफ सब देवबंदी और ये अलहदी जो लगा रहे हैं अपना, और कादियानी और शिया और रावजी और खारजी जो लगा रहे हैं, सब अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं, दो चैनल जी। बना रहे हैं। अब तुमने तुम क्या हो अपना अलग जाने और बना कादियानी जाने, अलग मुझको बना क्या रखा पता, तुमने? एक तुम्हारा मसला तुमसे ही चलेगा, यार अलग अलग एमपी बता तुम करके इतने गए, बड़े मुझको तो मैं ही मुजद्दीद तो और बनूंगा यार। मुज्तहिद और मुदब्बिर हो गए कि तुम अपने मसला के खुद बानी हो। अच्छा ताहिर भाई, ये सर्टिफिकेट अच्छा मैं पूछूं आपसे, मैं कुछ पूछूं आपसे ना, एक आदमी बात करो। नहीं मैं कुछ, एक सवाल है मेरा, एक सवाल चलो है मेरा, हाँ हाँ ये जो आप काफिर काफिर बोलते हो सबको, ये वैसे ये सर्टिफिकेट कहाँ छपता है, हम नहीं बरेली के बोलते, हम नहीं मदरसे बोलते, में, नबी ने बोल दिया था, हम नहीं बोलते। कहाँ बोला था? मैंने हदीस नहीं सुनाई अभी, तुम जाहिल हो, अगर तुम कुछ पढ़ा हो पढ़े लिखे हो तो तुम्हें मालूम भी होगा। अब जब नबी ने बोल दिया कि 73 में 72 जहन्नमी होंगे, तो वो कौन होंगे जहन्नमी? हमेश हमेश के लिए जहन्नम में कौन जाएगा? यहाँ तो जब नबी ने बोल दिया कौन जाएगा मुस्लिम, हमेशा हमेशा के लिए जब नबी ने जहन्नम बोल में? दिया मुस्लिम, मुझे बताओ जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए कौन जाएगा? नबी ने ये भी तो आप बोल भी दिया तो ना हो कि सकते हो ना, है आप भी तो हो सकते हो ना उसमें कौन? नहीं हम तो जहन्नम पहचान में बताते जाने हैं अपनी, वाले, हम तो पहचान बताते हैं कि हम साहबा वाले हैं। तुम तो छुपा रहे हो, तो तुम्हारे नबी तो ने अंदर कब इतना बोला दम नहीं बरेली कि तुम का? अपने मसलक की पहचान बता दो। और ये हमारी हक्कानियत की लो दलील है यार कि हमसे कोई बात करता है तो हम एकदम कहते हैं कि हम अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी हैं, ये हमारी हक्कानियत की दलील है। तो और यार दूसरी दलील हमारा मैं तो कोई बताऊंगा तुम्हें लेना देना हक्कानियत ही नहीं की, है, नबी सुनो हदीस में भी बरेल भी लिखा हुआ है। सुनो, नहीं इसे छोड़ो, दूसरी अपनी हक्कानियत की दलील और बताऊंगा तुम्हें। जितने भी फिरका हाँ बातला हाँ हैं, हाँ जितने फिरका बातला हैं, तुम्हारे सबके अकीदे एक हैं, सब मिले जुले हो तुम, लेकिन एक बरेलवी जमात ऐसी है जो सबसे लड़ती है, हाँ जिसका अकीदा किसी से नहीं मिलता। हमारा अकीदा अपना अलग ही है, जो सहाबा वाला है आपका वो, अकीदा जो क्या है वो किसी से नहीं सहाबा वाला मिलता है, भाई, और यही जन्नती है, यही भाई समझ भाई आदम है। अच्छा आपका अकीदा तुम कुरान मुझे है, एक सिर्फ ये मिनट बात बता दो, तुम इरादर की बात करने लगे। अरे भाई जब 72 को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठंडे दिमाग से समझो पहले बात को,
तुम पढ़े लिखे नहीं हो थोड़ी मुझे जान लग रहा है। जब नबी ने इरशाद फरमा दिया कि 72 जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा, तो अब तुम क्या मानते हो? अपने आपको जहन्नमी मानते हो जन्नती मानते हो? हाँ मैं बतला देता हूँ, नबी ने ये भी तो बोला है ना कि गुरु के अहमद से पहले औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी जो ये क्या दलील बना रहा हूँ इसके इसकी 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 जरूरत तो अपनी पहनाने शुरू कर समीर ये समीर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तुम जाहिल हो। ये दलील यहाँ कहाँ साबित हो रही है तुम्हारी? मैं मांग रहा हूँ आपसे चना, आप मेरे बात को सुनो, मदीने के कुत्ते बात को सुनो। माशाल्लाह देखिए हामिद तुम्हारे चेले है ना, ये सिखा रहा है ना मदीने के कुत्ते। अरे ये तो यार साहिर भाई ये सिखा रहा है। अरे हम मदीने के कुत्ते हैं, सुनो 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 सुनो, हम मदीने के भी कुत्ते हैं और हम गोश के भी कुत्ते हैं। लेकिन तुम मुझे बता दो, तुम्हारे भांडवी हरामी हिजड़े काले कुत्ते काले सुअर ने जो अपने आपको ये लिखा है कि मैं अपने आपको कुत्ते और सुअर से भी बदतर समझता हूँ, तो दोनों के दोनों मिलकर मुझे बता दो कि वो कौन सा सुअर था, काला था या सफेद था? बताओ जवाब दो इसका। तुम पांच पांच को रोंदू अकेला, पांच को बता रहा हूँ अकेला, बताओ कौन सा बच्चा था वो? हम अगर नस्बत लगाते हैं तो नबी से लगाते हैं, हम अगर नस्बत लगाते हैं तो वो से लगाते हैं। मुझे ये बतलाओ कि ये भांडवी हरामी हिजड़े काले कुत्ते काले सुअर ने जो अपने आपको मुतलकन कहा है कि मैं अपने आपको कुत्ते और सुअर से भी बदतर समझता हूँ, किसी को यकीन ना हो तो मैं हालत उठा सकता हूँ। अब मुझे बताओ कौन सा सुअर था, काला या सफेद? अच्छा बोल करके चुप होना है, दो जवाब बोलो, बोलिए क्या बोलना है भी? ना बोलो और बोल दो थोड़ा, बोलो बोलो चलो ठीक है, दोनों बोलो दोनों साथ बोल लो। नहीं नहीं मैं तुम्हारे बस की बात नहीं, जवाब दे दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मदीने के भी कुत्ते हैं नबी के और गोश्त के भी कुत्ते हैं, कौन सा कुत्ता था ये कौन सा सुअर था? अरे वो अगर अपने आपको लिख करके गया तो वादी में वही होगा जो की अपनी असलियत अपने आप को। तुम किसके लिए आए हो, तुम किसका डिफेंस करना आए हो यार? अरे जवाब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये भाग क्यों रहा है? जवाब दे, जवाब दे, भाग रहा है बंदा, जवाब दे, भाग रहा है बंदा, जवाब दे, भाग किसलिए? दे जवाब दो, सुनो यार जवाब दो, जवाब दो भाई समीर। हाँ मेरे दोस्त मदीने के कुत्ते, तो तुम्हारे घर में तो फरिश्ते नहीं आते होंगे क्योंकि एक बरेली जब बैठा हुआ था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, जब वो चरपाई के नीचे थे एक बरेली बैठा हुआ था, फिल्ला उसको बाहर निकाला गया, जब उसके बाद उन्होंने बोला और उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम तशरीफ क्यों नहीं ला रहे थे इज़राइल अलैहि सलाम, तो क्योंकि ये बरेली जो था ना वो बैठा हुआ था इसलिए मैं नहीं आ रहा था। हाँ चलो ठीक है, इस पेटल में नहीं आ रहा था, ये जो बरेली बैठा था हो इस बात पेटल हो अपनी मत। हाँ अब ये बात बताओ कि जो शख्स अपने आप को जानवर की तरफ मंसूब कर दे या कोई किसी को जानवर की तरफ मंसूब करे तो उसको हुक्म लगाओ क्या लगेगा? बोलो 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 आगे बोलो ना, बोलो क्या हुक्म लगेगा? नहीं कुत्ता नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अल्लाह का शेर, साहब नीचे सर बढ़ा के ना और हम बोलेंगे अल्लाह का शेर है, हम बोलेंगे अल्लाह का शेर, अल्लाह का शेर। तो शेर शेर कौन है, जानवर है इंसान है? अच्छा अब मैं इस पर एक अब देखो मंतर पहले इसका जवाब दो मुझे, मुझे ये हुक्म लगाओ कि जो अपने आप को जानवर की तरह बड़बड़ मत करो, बड़बड़ मत करो, तुम जहाँ जाओगे वहीं फांस लूंगा मैं तुम्हें, तुम्हें अभी मालूम नहीं है मेरा नाम मोहम्मद काहिर था, तुम मुझे ये बतलाओ कि जो आदमी अपने आप को जानवर के बड़बड़ की दुकान बड़बड़ की दुकान सुनो बड़बड़ की दुकान सुनो, अभी तुम्हारी कोई रिकॉर्डिंग है सुनी मेरी 500 रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर पड़ी हुई, यूट्यूब पर जाकर सुनो, मुझे ये बताओ कि जो आदमी अपने आप को जानवर की तरह मंजूर करे बड़बड़ मत करो, जो आदमी अपने आप को जानवर की तरह मंसूब करे या जो कोई किसी को जानवर की तरह मंसूब कर दे उस पर क्या हुक्म लगेगा शरीयत का? उस पर हुक्म मैं बता रहा हूँ क्या लगेगा, अल्लाह ने जब बोल दिया या रसूल अल्लाह ने बोल दिया वो फिर हमको जो भी बोल दे हम उस पर फख्र महसूस करेंगे। आगे बोलो, फख्र महसूस करेंगे? हाँ क्या मतलब? कुत्ता नहीं बोला कहीं पर भी, नहीं मैं कह रहा हूँ बोला कहीं पर भी, मैं कहूँ जानवर की तरह मंसूब करे तो कुत्ता एक हकीर जानवर है, अरे मगर जानवर की तरह मंसूब करे तो क्या हुक्म लगेगा? अगर अल्लाह हमको जो बोलेगा और नबी उसका जो बोलेगा, अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ अल्लाह साहब मुफ्ती देवबंद, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कोई जानवर की तरफ किसी शख्स को मंसूब कर दे और जो कोई अपने आप को जानवर की तरफ मंसूब करे तो उसका हुक्म क्या लगेगा? क्या हुक्म लगेगा? क्या हुक्म लगेगा? बड़े पढ़े लिखे हो ऐसा है, ऐसा है अभी अंडे में हो, अंडे में अंडे में बैठे रहो, अभी समझे ना, बाहर निकलने की कोशिश करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अली तुम अल्लाह के शेर हो, शेर खुदा हो, अली को शेर बना दिया, शेर
तो शेर क्या होता है, जानवर होता है, तो किसी को ये किसी को जानवर की तरह मंसूब करने से वो हकीकी जानवर नहीं हो जाता है। एक होता है मुजाजी और एक होता है हकीकी। यहाँ जो मंसूब किया है हमने अपने आपको, तो ये मिजाजी किया है, हकीकी नहीं है। इंसान इंसान ही होता है। अगर हम ये कहते हैं कि हम नबी के दर के कुत्ते हैं तो हम कुत्ते नहीं बन गए। जैसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कह दिया कि तुम अल्लाह के शेर हो, तो क्या वो शेर बन गए? हाँ। शेर की औलाद हो गए? बोलने दो। हाँ बोलो, बोलने तो बता देना। बोलो बोलो बोलिए। अब तुम यहाँ तो चले आए, अभी तब अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम किसका डिफेंस करने के लिए आए हो। पहले मौजू बात करो, पहले मौजू तय करो। तुम पहले बताओ कि तुम डिफेंस किसका करना आए हो, किसी तरफ से बात करोगे? अरे यार तुम सुनते हैं, अभी तेरे बट्टी को बड़ी हंसी आ रही है, अभी मौजू तय नहीं कर पा रही है। मुनाजिर इधर भागने में है, कभी इधर भागे है, कभी उधर भागे है। मुझे ये बताओ कि तुम बेहतर में हो या एक हो? भाई तुम्हारे पंजे उखाड़ दूंगा। बेहतर में हो या एक हो? वो तो दिख रहा है मुझे, पंजे उखाड़ दोगे। तुम मुझे बताओ कि तुम जो 73 में एक जन्नती है, बेहतर जन्नती है, उसका कौन से महून में? कौन से महून में? अरे यार तुम्हारी अकल काम करती है नहीं। ये तो जब जब ये YouTube पर जाएगी ना और तुम्हारी गुफ्तगू को लोग सुनेंगे तो तुम पर लानत भेजेंगे। तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने मतलब का नाम बता दो और अपने आप को किसी की तरह ये बता दो कि मैं फला फिरके से हूँ। हिम्मत नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुमने फिरके का नाम लिया नहीं और मैंने तुम्हारे बने का बात डाला नहीं। मुझे ये बताओ कि तुम कौन से फिरके से हो, कि बेहतर में जो बेहतर थे उनमें से हो या जो 73 में जन्नत थी उनमें से हो? इस तरीके से बात होती है। हो रहा था, मैंने बता दिया कि मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हूँ। इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि आप जो हैं किसको फॉलो करते हैं, किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, कौन सा फिरका तुम्हारी नजर में जन्नती है? क्योंकि जहन्नमी की के पीछे जन्नती की नमाज तो होगी नहीं, काफिर के पीछे मुसलमान की नमाज नहीं होती है। तुम्हारा ईमानी दुरुस्त नहीं है, उसका ईमान दुरुस्त नहीं है, वो मुसलमान ही नहीं है। इसे इस बात पर शक है, उसका जवाब देता हूँ मैं तुम्हें। सामने सुनिए, सामने सुनो, हामिद सुनो, सामने हजरा चार आदमी खड़े कर लिए और ये समीर ये कहने लगे कि यार मेरे इसमें से बाप कौन है, तो लोग क्या कहेंगे कि ये हरामी है, इसे अपने बाप पे मालूम नहीं। जब तुम्हें समीर यही पता नहीं कि हम जन्नती हैं जहन्नमी हैं और तुम्हारी हिम्मत इतनी नहीं कि तुम ये बता दो कि मैं फला जमात पे हूँ या फला फिरके से हूँ, तो उन हरामी की तरह हो तुम जो हरामी तक मत में है, तेरा बाप कौन सा है? तुम उस हरामी की तरह हो जो कशमकश में है कि चार खड़े मैं अपना बाप किसे कहूँ इनमें से, ये पता नहीं कौन सा बाप इनमें। मदीने का जो आदमी कशमकश में है वो हरामी है, उसकी असल में खता है। जब तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि तुम किस जमात से हो, तो तुम्हारा कोई ईमान नहीं है, तुम मुसलमान नहीं हो, मुसलमान के धब्बा हो, तुम मुनाफिक हो, मुनाफिक हो, मुनाफिक, और ऐसे मुनाफिक से मैं बात नहीं करता हूँ। पहले अपनी जमात का नाम बताओ, अपने आप को तय करो किस मतलब से हो, कौन सी जमात से हो, कौन सा धर्म है तुम्हारा, किस धर्म से तुम ताल्लुक रखते हो। देखिए सामने हजरात, ये समीर मुनाफिक से तय नहीं कर पाया अभी तक ये कौन से धर्म का है, और ये हामिद गालिबाज जो है इसे निकाला है, ये हामिद गालिबाज गालिबाज इसे निकाला है, ये अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया कि यह किस जमात से, यानी बेहतर में है कि जहन्नमी कुत्ता, ये जहन्नमी कुत्ता मुझे कुत्ता बनाने के लिए आया था लेकिन कुछ बता नहीं पाया, आपको कुछ नहीं बता पाया। तू मुझे साबित तो कर दे तो हरामी हो गया। तू चार बापों की तरह जो चार बापों में तू कशमकश में है कि मेरा बाप कौन सा है, उसी तरह का सभी तू हरामी हो गया। क्या हो गया तेरा काम? चल जा, देख लिया मैं तेरा पड़ा हुआ कितना पड़ा हुआ।